Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुशियाँ ढूंढे तेरा रास्ता महकी सुबह है। Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए जिन्हें साफ़ रहना पसंद नहीं, बहुत ही बुरी है, जिन लोगों को घर साफ़ रखना पसंद नहीं है, जिन्हें रेगुलरली घर में क्लीनिंग करना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना पसंद नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है ये। और जो लोग एलर्जिक हैं डस्ट से, या जो लोग एलर्जिक हैं गंदगी से, जिन्हें पसंद नहीं है वो, उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है। कभी कभी होता है ना कि आपके ऊपर जो रहमत है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है ना वो बरसती है और आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है एक्चुअली किसी चीज़ से। जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी है और जिन्हें कॉन्स्टेंटली अपना घर साफ़ करना पड़ता है, जिनको कॉन्स्टेंटली रोज़ उनके घर में जो है डस्टिंग होती है। मुझे याद है मैं छोटी थी तो रोज़ की जिम्मेदारी होती थी कि मम्मी कहती थी कि सुबह उठ के डस्टिंग एक दफ़ा ज़रूर करनी है। और मैं जाके देख रही होती थी कुछ इस तरह के आपके घर में जगह होती है जहाँ पर कभी डस्ट नहीं पड़ती, वो बिल्कुल कवर्ड होती हैं, और जाके उन्हें कहती थी मम्मी यहाँ पर नहीं है डस्ट। लेकिन वो एक काम ऐसा होता था जो आपने रोज के रोज करना होता था और वहां से आदत पड़ गई घर में डस्टिंग करने की या चीजें जगह पे रखने की। मुझे लगता है साफ रह रहे कि कुछ इम्यूनिटी भी जो है ना वो खराब हो गई है और उसकी वजह से अब डस्ट से ऐसी एलर्जी है कि अगर आपके एसी भी प्रॉपरली किसी घर में नहीं क्लीन हुए हुए होते और आप उधर जाते हैं और वो एसी ऑन होता है तो ऐसी छींकें शुरू हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आती। लेकिन रीसेंट स्टडी से ये बात जब मैं करूँगी ना तो इस बात से हर खातून को फ़र्क पड़ता है, हर मर्द को फ़र्क पड़ता है, हर लड़की को, हर लड़के को, हर बच्चे को, बच्चों को शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि रिसेंटली ये बात डिस्कवर हुई है कि डस्ट से आप मोटे होते हैं। है ना, कितनी अजीब सी बात कि डस्ट जिनके घरों में ज़्यादा पड़ी रहती है, जो लोग ज़्यादा डस्ट इनहेल करते हैं, जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ ज़्यादा डस्ट होती है, तो उससे जो है आपका वज़न भी बढ़ता है क्योंकि आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड जो है वो ज़्यादा होता है और उसकी वजह से आप ओबीज हो सकते हैं, उसकी वजह से आप मोटे हो सकते हैं। तो एक रिसर्च की गई और कुछ बेचारे से चूहे थे जिनके ऊपर ये रिसर्च की गई और जिनको ज़्यादा डस्ट से एक्सपोज किया गया वो जो है जल्दी उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड की एक्युमुलेशन ज़्यादा हुई और उनका वेट गेन जो है वो नज़र आया कि जल्दी ज़्यादा हो जाएगा। और जो ऐसे चूहे थे जिनको साफ एनवायरनमेंट में रखा गया उनके अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड एक्युमुलेट नहीं हुआ और उन्हें वेट पुट ऑन नहीं किया। और ये जो है बेसिकली दिखाता है कि डस्टी होम्स जो हैं वो आपके अंदर फैट सेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो वैसे ही मैं कहती हूँ सफाई नसफ़ ईमान है। एक हमारा जो है सफाई का वैसे हर कोई जो है पैगाम देता है लेकिन हमारे रिलीजन में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है गौर किया गया है और बहुत ज़्यादा दफ़ा ये कहा गया है मस्जिद में जाने से पहले आपने साफ लिबास पहनना है, नहाना है, हल्की सी जो है मीठी खुशबू आपसे आनी चाहिए है, प्याज और लहसुन खाने से मना किया गया है कि आप ना खा के जाएँ क्योंकि ये डिस्टर्बिंग होता है। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ और मैं बहुत दफ़ा ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, चाहे वो सड़क पे कूड़ा करकट फेंकना हो। और इसमें कोई अमीर गरीब की बात नहीं है, मैंने देखा है इतनी टिश पटाश गाड़ी जा रही होगी और ये अंदर से एक छल्ली निकाल के कोई फेंकेगा, ये बिस्किट के जो डब्बे हैं निकल रहे होंगे, ये पैकेट्स जो है चिप्स के निकल रहे होंगे, जूस के डब्बे निकल रहे होंगे इतनी अच्छी गाड़ियों से यूं करके। तो इससे पता चलता है कि अमीर होना या गरीब होना जो है वो आपको ये जो है एक प्रॉपर एजुकेटेड इंसान नहीं बनाता। और एजुकेशन का जो है मतलब भी सिर्फ किताबें पढ़ लेना, डिग्री ले लेना नहीं है, बल्कि आपके अंदर ये सोसाइटल शऊर जो होते हैं, थोड़ा सा लिटर ना करना, अपने आप को साफ़ रखना, अपनी जगह को साफ़ रखना, अपने घर को साफ़ रखना, साफ़ लिबास पहनना, साफ़ जो है अपने मुंह को साफ़ रखना, अब सुबह ब्रश करना, इतनी छोटी सी बात है, इतने सारे जो है लोग होते हैं जो ब्रश ही नहीं करते, जिनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हाइजीन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हाइजीन हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द की हाइजीन हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को साफ रखें। एक बात मुझे पता चली और मैं इतनी डिस्गस्ट हुई इस बात से, ये खैर ज़िंदगी में हर किसी के साथ होगा बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग, आप मुझे बताइए भी सोचिए कि आपके घर में जो मैट्रेस है इस वक्त बेड पे वो लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था, आपने नया मैट्रेस कब खरीदा था। अनलेस किसी की रिसेंटली शादी हुई है और वो नया नया फर्नीचर आया है, जितने भी इस वक्त ज़्यादातर लोग सुन रहे होंगे उनके मैट्रेस को इंक्लूडिंग मी 3-4 साल तो हो ही गए होंगे आपके बेड पे। तो
ये रिसर्च मैंने पढ़ी कि आपका जो मैट्रेस होता है 10 साल के बाद उसका जो वेट होता है वो डबल हो जाता है। और वो डबल कैसे होता है कि उसके अंदर जो डस्ट माइट्स होते हैं, जो आपके घर में आप जितनी मर्जी क्लीनिंग करें कुछ ना कुछ डस्ट जो है वो ज़रूर आएगी। और ये डस्ट माइट जो होते हैं ये फीड ऑफ करते हैं जो इंसान की स्किन होती है इसके ऊपर। तो आपको ये भी पता है कि इंसान अपनी स्किन जो है वो रोज़ बरोज़ हल्की हल्की शेड करता रहता है और उसके ऊपर नई नई जो है रिजुविनेशन होती रहती है, नई स्किन बनती है। और ज़्यादातर उस स्किन का हिस्सा जो है वो आपके बेड के ऊपर, आपकी बेडशीट पे, आपके पिलोस पे और आपके मैट्रेस के अंदर जाता है। इसलिए कहते हैं मैट्रेस के ऊपर हमेशा एक मैट्रेस कवर चढ़ा के रखना चाहिए जिसको आप ओकेजनली चेंज करते रहें और डिस्पोज ऑफ कर दें। धोना भी एक हद तक ही होता है ना, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दें। बेडशीट्स आपकी बहुत कॉन्टीन्यूसली चेंज होनी चाहिए। बेड में जाने से पहले आपके रात के कपड़े होने चाहिए जो सेफ सी जगह में पड़े हुए हों, जो आपके पिजामाज होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि पूरा दिन जो हम बाहर फेर के आते हैं उसके ऊपर डस्ट होती है, गंद बला होती है, गर्द गुबार होता है, हर चीज़ लगी हुई होती है। तो जब आप अपने बिस्तर में जाएं, जहाँ पे आपका तकिया आपके मुंह के साथ लग रहा है, जहाँ पे अपने बेड में होने, वहाँ पर एक साफ सुथरा लिबास पहन कर जाएं और सुबह उसको जो है चेंज करके उसको पैक करके सेफ जगह में रखें जहाँ पर उसके ऊपर डस्ट ना आए। एक बेड कवर अपने बेड के ऊपर डाल के रखें। और ये जो बात है, ये जो डबल हो जाना होता है वजन, ये आपके डेड स्किन सेल्स और वो डस्ट माइट जो इन्हें खाते हैं उनकी तादाद बड़े होने से, तो वो मैट्रेस का डबल वेट विद इन 10 ईयर्स हो जाता है। जैसे एक अच्छा मैट्रेस जो होता है उसकी लाइफ टाइम गारंटी भी, लाइफ टाइम तो नहीं होती, 6 से 10 साल ही होती है। तो आपको मैट्रेस भी चेंज कर लेना चाहिए। जितनी गंद वाला अपनी ज़िंदगी से कम करेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। और मैट्रेस हम ऑब्वियसली इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज़, मैंने कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जिनका बहाना ये होता है कि नहीं नहीं आप जब लास्ट टाइम आए थे तब भी यही बेडशीट थी। हाँ हाँ, क्या इत्तेफाक है कि आप दोबारा आए हैं तो ये भी बेडशीट है। बेशक आप जो 6 महीने बाद गए हो लेकिन बेडशीट चेंज ही नहीं करते भाई, वो भी गंदी होती है। उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बिस्तर में खाना पीना कर रहा है उसके ऊपर चीज़ें गिर रही हैं तो वो गंदी हो, लेकिन आपके अपने बस होने से, क्योंकि इंसान जो है ना वो चलता फिरता जो है डिस्पोजल है, आपकी स्किन शेड कर रही होती है, हर चीज़ जो है गंदी आपके साथ होती है। तो प्लीज़ घरों को साफ रखने की कोशिश करें। और जो एलर्जिक लोग होते हैं वो तो गंद के डिटेक्टर्स होते हैं, तो अगर आपके घर में आके फौरन किसी को छींके शुरू हो जाती हैं तो अपनी सफाई को ज़रा थोड़ा सा जो है ना आपको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूं कि कौन होगा हमारे साथ। हमारे साथ होगी किरण उस्मानी, जो हमारी फिटनेस एक्सपर्ट है, और आज जो है आपको फुल बॉडी वर्कआउट है आएंगी, तो मैं उनसे पूछूंगी आज वो क्या कराने जा रही है आपको। अच्छा जी, हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर समी जे खान, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और बात करेंगे आपकी किडनीज की सेहत की, किस तरह आप उन्हें हेल्दी रख सकते हैं, और स्पेशली इस मौसम में जहाँ पर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है किस तरह आपने ख्याल रखना है। हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत, जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड, और आपके बहुत सारे सवाल हम तक पहुँच भी चुके हैं। आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। हमारे साथ होंगी निम्रा खान, जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं, और पैनल पैंट कटिंग विद फैंसी टॉप वो हमें जो है आज सिखाएंगी। सो इस वेस्टर्न स्टाइल जो है आज आपको सिखा रहे हैं। और शेफ हिना बनाएंगी पंजाबी छोले मसाले, छोला मसाला, मसाले वाले छोले बनाएंगे हम यहाँ पर। तो ये आपकी ब्रेकफास्ट के लिए बड़े मज़े की चीज़ आपको बता रहे हैं। आगे वीकेंड है तो सीखें और सुबह जो है सबको बना के खिलाइएगा। आपसे मेरा सवाल ये है, मिसाल देना और मिसाल बनना दो अलग बातें हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे बताइए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या कुछ होगा इसमें थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, ऐसे है कि मतलब है कि आप वेटेड हैं 90 kg 80 kg, तो वो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस हो जाता है। जो मैंने आपको डराया है शुरू में कि डस्ट है अगर आपके घरों में तो आप वेट गेन कर सकते हैं, तो साथ साथ एक्सरसाइज करें तो वेट रिड्यूस भी हो सकते हैं ना? जी अच्छा, वो डस्ट जाहिर है वो ऑक्सीजन नहीं होता उनमें और डस्ट है, तो वो जब आप योगा करते हैं उससे ही भी होता है कि आपको वेट लॉस होती है।
वो योगा से, क्योंकि वो दस्त वो एलर्जी और अस्थमा और आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो आप योगा करें ना. हाँ. और मतलब ब्रीदिंग के लिए व्यायामा कर रहे हैं तो उससे भी, तो और एक्सरसाइज भी जब हम करते हैं, इनहेल और एक्सहेल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हर इस जाहिर है कि एनारोबिक और अरोबिक का साथ भी हम मिला के तो हम करते हैं. ये बेसिकली जो एक्सरसाइज और है ना, ये एक साइंस है, आर्ट्स नहीं है. ठीक है, तो हम बिल्कुल प्रॉपर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं. एवरी ट्रेनर, जैसे आप पे थीसिस होते हैं, इसी तरह हमारा भी एक थीसिस होती है, जो रिसर्च करते हैं कि हमने ये क्या क्या हम लिया है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे हमें तुक्के से नहीं सिखा रहे. तो आल्सो किरण बताएंगे कि योगा में जो आपने सांस लेनी है ना, एक साफ एनवायरनमेंट में लेनी है, बाहर निकल के साफ. और जब पोलन का सीजन होता है तब जरा ख्याल रखना है, क्योंकि इनहेल एक्सहेल जो है वो कर रहे होते हैं. नहीं, बात यह है कि अगर आपको पोलन भी हो, जब आप योगा कर रहे होते हैं ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा. हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक दफा पहले भी बताया योगा में, कि पता है आपकी योगा से आपकी जितनी अगर एलर्जी है, अस्थमा है, आप एलर्जी, अस्थमा तो एलर्जी है ना, तो क्या है कि वो आपको क्योर कर देता है. सो फिर आपको कुछ भी हो तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा. डेफिनेटली, पर ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है. आज हम जो करने चाहें स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपके डंबल्स और बाकी चीजें भी फर्क हो रही है ना? जी बिल्कुल. फुल बॉडी वर्कआउट और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कीजिए, अपना स्टैमिना बिल्ड कीजिए, वेट लूज कीजिए, हेल्दी रहिए प्लीज. मैं हमेशा ही कहती हूँ, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, मैं खुद यही कहते रहती हूँ कि प्लीज आप हेल्दी रहें, क्योंकि एक कहते हैं एक वुमन हेल्दी रहते हैं वो पूरे नेशन हेल्दी रहती है. ये किरण ने कहा आज, ठीक है, यही कहते हैं. इसके बाद छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर समी जावेद खान, जो कि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं आज, और हम किडनी की बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक ठाक. मैं सर को कह रही थी, सर आप हमारे पास पहले तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन हम दोबारा अलिफ से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम उतनी ही डिटेल में सबको जो है वो बता सकें. और हमारे पास ब्यूटीफुल मिसेस हशमत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप कैसी हैं? बड़ी हसीन लग रही हैं माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आपसे ज्यादा तो कोई नहीं है. नहीं, आप बस हमारे आसपास दोनों बड़े हसीन लोग बैठे हुए हैं. मुझे पता है, मैं सच में ना मेरी लाइमलाइट चुरा रही माशाल्लाह, जब भी आती है ना यहाँ पर. अच्छा जी, तो किडनी से रिलेटेड मसाइल हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आजकल का जो मौसम है, इसके अंदर इवन दो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट इन द एयर, बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन हम लोग जो पानी पीते हैं उसकी मकदार इतनी नहीं होती, और बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाती है. तो ऐसे सूरत में अपनी किडनीज का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? बेसिकली इस टाइम पे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो वाटर बोर्न है. एक तो जिस तरह आपने फरमाया कि जी डिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली हार्ड वेदर है, ह्यूमिडिटी है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से वाटर की इनसाइड कमी हो जाती है. और दूसरा जो हमारे यहाँ वो वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वाटर कंटेमिनेशन इज़ वेरी कॉमन. फिर इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, गर्मी में चीज़ें जो गल सड़ जाती हैं, बिल्कुल, फिर उनकी प्रॉपर रेफ्रिजरेशन नहीं होती, और फिर वो बैक्टीरिया उस पे जो है, बैक्टीरिया उस पे बिल्कुल आ जाते हैं. टाइफाइड इज़ वेरी कॉमन, मलेरिया इज़ वेरी कॉमन, फिर अभी तो डेंगू का सीज़न भी शुरू हो जाएगा. सो ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़, और जो भी इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं उसमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वॉमिटिंग होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, पखाने लग जाते हैं, जिस्म के अंदर से पानी की और कमी हो जाती है. बिल्कुल. फिर बाय नेचर हम लोग जो वो पानी बहुत कम पीते हैं. बिल्कुल. और जो पीते भी हैं वो वाटर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है. बिल्कुल. सो ये सोने पे सुहागा, डबल किस्म के मसले मसाइल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर किडनी को फिल्ट्रेशन चाहिए, फ्लूइड चाहिए, ब्लड चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है उसको उसकी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्लियर नहीं होते, और हाई इंसिडेंस ऑफ रीनल फेलियर इन द समर मंथ्स. तो इज दिस ओनली, मतलब हमारी जो हाइजीन कंडीशंस हैं, वाटर कंटेमिनेशन जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा, और आजकल तो अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो समझ ही नहीं आ रही कि किधर से पानी आ रहा है. कल मैं पिक्चर्स देख रही थी, जो पूरा
एक एरिया जो है वो पानी से भरा हुआ है, मेरे अपने जो है घर के आसपास एक प्लॉट है उसमें से पानी आ रहा है, बेसमेंट्स भर रहे हैं, तो कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा। और ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी को, आपको पता है कि क्वालिटी, हर कोई जो है वो बॉटल्ड वाटर घर नहीं लेकर आता, तो उसे बॉयल करना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्लियर पानी जो है वो इस्तेमाल करना है। मैं सच में हमेशा बताती हैं, एक जो है किडनीज को फिल्टर करने वाला पानी जो जिसमें कद्दू शामिल, बिल्कुल, तो वो किस तरह बना, कद्दू की डंडी उसको लें। वैसे भी हमें कोई पता नहीं है कौन सा पानी ठीक है कौन सा नहीं है, बोतलें सब लोगों के घरों में आजकल आ ही रही हैं ताकि साफ पानी हमें मिले, लेकिन हमें फिर भी पता नहीं कि वो पानी कितना साफ है। इसलिए अगर हम 10 मिनट तक उबालें तो वो पानी उन बोतलों के पानी से बहुत बेहतर है। और अगर इन पानी में हमने कद्दू की डंडी उबाली, किडनी क्या चीज़ है, हमारी बॉडी का फिल्टर है, ये उस फिल्टर को साफ कर दिया, आपका फिल्टर साफ रहेगा, आपकी किडनी स्टेज ठीक रहेगी। और दूसरा, इस मौसम में अल्लाह ताला ने वो फल पैदा किए जो हमें फ़ायदा देती है, जैसे आड़ू है, तमाम आपके पेट की जरासीम ख़त्म कर लेती है, बिल्कुल। जामुन है क्योंकि नमी बहुत ज्यादा है और वो खुश्की पैदा करते हैं, आपने देखा जामुन खाए तो मुंह भी खुश हो जाता है, बिल्कुल। और ये हमारे पेनक्रियाज के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे ब्लड के लिए भी अच्छा है, इवन के हमारे ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये आड़ू भी हमारी बॉडी से सारा प्लाग साफ करता है, इवन की आपकी जो वेन्स में जितना प्लाग है वो भी साफ हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी इससे ठीक रहता है, डाइजेशन भी इससे ठीक रहती है। जैसे अभी आप बता रही थी कि ये सारा कुछ यहाँ पड़ा रहता है, वो खाना हजम ही नहीं होता इस मौसम में, आप जो भी खाते हो बस यहाँ पे पड़ा होता है। तो अल्लाह ताला ने इस मौसम में, आप देखिए हर जगह आपको धनिया पुदीना नजर आएगा, आड़ू बहुत नजर आएगा, जामुन बहुत नजर आएगा, आप ये खाएं आपका ये चीज यहाँ नहीं खड़ी रहेगी। और जामुन तो अफोर्डेबल भी इतना है कि हर कोई जो है उसको अफोर्ड कर सकता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जामुन इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, हालांकि अगर आप थोड़े देहातों की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे वो रेडी पे नमक लेकर जो है हर जगह वो बिक रहा होता है, आपको छोटे से पेपर के अंदर वो पकड़ा देते हैं और नमक डाइजेशन करता है, बिल्कुल, बहुत मजे का लगता है। यहाँ पर मुझे अचानक से एक सुपर स्टोर पे नजर आया और मुझे इतने अरसे बाद मैंने जामुन देखा है और उसके इतने फायदे हैं जो आपको खाने चाहिए। रीनल फेलियर के बारे में बात करते हैं और क्या क्या ऑप्शन होती है और क्यों आप पहुंच जाते हैं उस स्टेज तक। पहले मेरे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप जैसी इतनी प्यारी प्यारी सी होस्ट को देख के हमारी मॉर्निंग और प्यारी हो जाती है। क्योंकि ये बस आपकी मोहब्बत है। माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, घर जाके जरूर नजर उतारिएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह खुद बहुत ग्लो कर रही हैं। शर्म आ गई मुझे, बस करनी तारीफ, अब किसी बीमारी का पूछ लें जल्दी से जी। और ये तो पहले मैं आपके शो की तारीफ करूंगी कि बहुत जबरदस्त शो होता है, बहुत प्यारा आपका जो शुरू में बोलने का अंदाज होता है, इंट्रो जो होती है आपकी, बहुत अच्छा लगता है हमें सुनकर। और अमल करते हैं मेरी बातों पे, इतनी मैं नसीहतें करती हूँ रोज लेक्चर, और वाकई आप जो बात कहती है ना वो दिल पर असर करती है। सच सच कहती हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल सच कहते हैं, और आप जब सच कहती हैं तो वाकई वो दिल पर असर होता है। थैंक यू जी, थैंक यू। और ये कि हम जो है आपका शो देखते हैं बहुत हमें अच्छा लगता है, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये देना चाहूंगी कि मिसाल तो इस तरह दी जाती है ना कि देखिए वो फलां जो है कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है, उस जैसा बने, लेकिन एक हमें भी उस तरह मिसाल बनना चाहिए। और उसके लिए परवीन शाकिर का एक शेर है, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरजू, ऐसा चलो चलन कि जमाना मिसाल दे। वाह क्या बात है, कितना अप्रोप्रिएट आज सवाल जो मैंने किया था ना उसके लिहाज से आपने शेर पढ़ा। ये बात की थी ना कि मिसाल बनना और मिसाल देना, तो मेरे फौरन जहन में यही, और ये मेरा फेवरेट है और शायद मैं इस पर अमल भी करती हूँ। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए। और जिस तरह हम दूसरे लोगों को देखते थे ना कि उनमें ये खामियां हैं ये खामियां हैं, तो मैं यही कोशिश किया करती थी कि अल्लाह ना करे कि ये खामियां मेरे अंदर आए, कि जिस तरह मतलब ससुराल में रहना के सास से, नंदों से, जेठ देवर जेठ जिठानी इनसे लड़ाइयां होती थी, हमने खानदान में देखा, दोस्त अहबाब में देखा, या पेरेंट्स जब जिक्र करते थे कि फलां में, तो वो हमने यही सोचा हुआ था कि हम अपने घर में वालदैन के घर में भी अच्छा बनकर रहेंगे और आगे जो है अपने वालदैन के लिए प्राउड बनेंगे कि हमें हमारे माँ बाप को ये बातें ना सुननी पड़े। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हम लोग बात तो बहुत कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद वैसे नहीं बनते, बिल्कुल। ये कि बहुत जबरदस्त शो होता है और इससे हमें अपना जो अपने आप को सही या सीधा करने का बहुत अच्छा एक रास्ता है कि हम जो अपने आप को ठीक कर लें, और खुदारा से इस बात सुनकर अमल करना जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। सुनकर सिर्फ कान से दूसरे कान से निकाल देना ये बात नहीं, ये बात नहीं है। थैंक यू सो मच, इतनी आपने अच्छी बात की। प्लीज हमें जितने भी लोग यहाँ थे, हमारे डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं,
जितने भी हमारे मेहमान होते हैं हमेशा कुछ अच्छी बात करके जाते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं। मेरी टीम है, हमें दुआएं जरूर दिया करें, बस दुआएं जो है ना वो उसके लिए हम हमेशा जो है ना रेडी होते हैं। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि किडनी फेलियर तक इंसान क्यों पहुंचता है, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है ना जहाँ पर आपकी किडनी फेल हो जाए, तो कौन से वो स्टेजेस हैं जिससे गुजर के इंसान उस स्टेज पर पहुंच जाता है? बेसिकली जब कोई किडनी फेलियर का पेशेंट आता है तो आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि ये एक्यूट फेलियर है या कि क्रॉनिक फेलियर है। अच्छा। क्योंकि एक्यूट में रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि ठीक हो दोबारा चांसेस होते हैं कि जी किडनी को जो जिन चीज़ों ने फेल किया है आप उनका सदबाब करें, उनकी ट्रीटमेंट करें, तो वो रिवर्स बैक हो जाता है। ठीक है। जो क्रॉनिक फेलियर है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो है। मसलन हमारे यहाँ बल्कि वर्ल्ड ओवर जो है आजकल सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर इज़ ड्यू टू डायबिटीज़। हाँ, जितने पेशेंट्स डायलिसिस में अबाउट 50% ऑफ दोज पेशेंट जो है ना उनको डायबिटीज़ है। अच्छा। इनको हम कहते हैं क्रॉनिक फेलियर क्योंकि ये बीमारी साल हर साल महीनों साल हर साल चलती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। फिर डायबिटीज़ के साथ मोस्टली मरीजों को ब्लड प्रेशर भी साथ हो जाता है। ये दोनों जो बीमारियां हैं ये किडनी को और फर्दर वीकन करती हैं। अच्छा। एक स्टेज आती है कि जी डायबिटीज़ पहले चलती रही, फिर ब्लड प्रेशर ऐड ऑन हो गया, उसके बाद फिर वो किडनी और फर्दर वीक होते गए, हत्ता कि एक स्टेज आती है कि जब वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कमज़ोर होता है, फिर आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मसलन यूरिया जिसको हम कहते हैं या क्रिएटिनिन वगैरह वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर चूँकि फिल्ट्रेशन कम होती है और आपके ब्लड प्रेशर भी है, फिर जिस्म के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। सांस फूलना शुरू हो जाता है। किडनीज फिर एक हार्मोन बनाते हैं जो कि ब्लड सेल्स बनाती है। जब इन पॉइजन्स का लेवल बढ़ता है तो वो हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है, फिर मरीज जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, सेल्स नहीं बनते, वीकनेस शुरू हो जाती है, फिर भूख लगनी ख़त्म हो जाती है, जबान का जायका चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर स्किन के ऊपर चेंजेस आ जाती हैं, खारिश शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। अच्छा। स्टेज 5 होती है जबकि डायलिसिस स्टेज होती है। नॉर्मल जो किडनी फंक्शन है उसको लट से फॉर एग्जांपल के 90% से 100% होता है। स्टेज 1 में वो और कम होना शुरू हो जाता है। स्टेज 5 है जब किडनी फंक्शन जो वो 15% रह जाता है। हाँ, जब आपका किडनी फंक्शन 15 से नीचे आ जाए तो उसको स्टेज 5 कहते हैं। दैट मीन्स कि जी वो डायलिसिस वाली स्टेज है। उसके उस स्टेज पे जब मरीज पहुंचता है तो उसके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि जब लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करवाए या फिर ट्रांसप्लांट के लिए चला जाए। अच्छा, लाइफ एक दफा आप डायलिसिस की स्टेज पे पहुंच गए देन देयर इज नो क्रॉनिक केसेस में। ये क्रॉनिक केसेस में डायलिसिस पे पहुंचते हैं वरना देन हां फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं अदर देन कि जी ट्रांसप्लांट। और कितना कितना फ्रीक्वेंट होता है ये डायलिसिस, इस पे भी आते हैं। पहले हम कॉल जो है वो ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक पहली बात ये कि आपका शो बहुत अच्छा है, आई लाइक योर शो, रोज देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप करती हैं। थैंक यू। और बड़े सुकून के साथ सबसे बड़ी बात है कि आप शो कर रही हैं। थैंक यू। अल्लाह गुल्ला धूम धड़कता नहीं शो तो होनी चाहिए, थोड़ी सी हबड़ दबड़ थोड़ा मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि सर में दर्द हो जाए। कुछ शोज ऐसे है ना कि सच्ची बात है सर में दर्द हो जाती है। आई नो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब आप लोग कॉल करके कहते हैं आपका बड़ा पढ़ा लिखा शो लगता है, दिल खुश हो जाता है। यही कह रहा चाह रही थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। हमसे कोई सवाल है आज आपका? जी, क्वेश्चन का आंसर ये दूंगी कि ऑब्वियसली पहले हमें हमेशा अपने बेटे वॉल्यूम इसको बंद करें, हमें ऑब्वियसली अपने आप को पहले इस काबिल बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि हम ऐसे काम करें कि हम किसी को मिसाल जब दें तो इस काबिल तो हो ना कि जो हम कर रहे हैं चाहे वो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ है कुछ भी है वो अगले इंसान को ऐसा लगे कि अगर ये मुझे ये नसीहत कर रहा है तो खुद भी ऐसा करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो जाया हो जाती है नसीहत, क्योंकि आप करते नहीं है ना।
कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, कंफ्यूज किस बात पे इतनी। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे आपकी बात समझ आ गई। देखिए मुझे अपने कॉलर से ना कनेक्शन है, कभी कभी आपको पूरा कहने की जरूरत नहीं होती, मैं समझ जाती हूँ कि आप खुद जब वो सब कुछ हाँ, करेंगे जो आप जिसकी नसीहत कर रहे हैं तो हाँ, इंसान को ज्यादा आसानी होती है फॉलो करने में, वरना तो आप आपकी तरफ उंगली पॉइंट आउट कर देते हैं, खुद तो करते नहीं, ऐसा ही है ना। जी, अच्छा जी, बिल्कुल। मुझे बताइए कोई सवाल है आपका हमसे। बस एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, किडनी से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन एक मेरा अपना जो पर्सनल इशू है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये जो हमारी थाइस पे, लेग की थाइस है, इस पे ये सेलुलाइट आ जाती है और बहुत बुरा लगता है वो, तो वो हम किस तरह कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? आपकी मदर की या बहनों के तो ये जगह मोटी नहीं है? जी है, थोड़ा हमारा फैमिली में भी है हाँ। लेकिन मेरा जरा ज्यादा ही मसला है। आपकी एज कितनी है? जी सर मेरी 41। आप बंद करें, हम आपको आने का जवाब देते हैं, हम आपको जो है समझाते हैं। अच्छा जवाब दे देंगे, ब्रेक ले लूं पहले? हाँ छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, फिर आप ही के सवाल के जवाब से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू मेहक द मॉर्निंग। और माशाल्लाह से डॉक्टर्स की मेमोरी इसीलिए इतनी अच्छी होती है ना, है ना। मैं फौरन, मैंने कहा ठहरे जरा, सवाल आपका क्या था? सेल्यूलाइट का सवाल था, उन्होंने कहा था कि थाइस के ऊपर जो सेल्यूलाइट। अच्छा ये बाजों का जेनेटिकली भी होता है, इसलिए मैंने इनसे पूछा कि आपकी वालदा या बहनों का है या नहीं है। इसके लिए एक तो फर्श पे पोछा मारे, ये इसकी एक्सरसाइज है। अच्छा आप स्क्वाट कर रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली? जो लोग ये करते हैं उनको गायनी प्रॉब्लम भी इतना नहीं होता क्योंकि नीचे चर्बी जमा नहीं होती है। और दूसरा ये है कि सिनेमन, दालचीनी जिसको बोलते हैं, एक चाय का चम्मच एक कप में उबाल लें, एक कप दिन में नहीं, एक चाय का चम्मच तीन कप में उबाल लें, दिन में तीन बार पी लें। अच्छा ग्रेजुअली होगा, ये नहीं कि एकदम से वो होगा, लेकिन आस्ते आस्ते इसके ये उतर जाएगा। ठीक है सर। और एक्सरसाइज बहुत 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 जरूरी है, ये पोछा भी जो है ना एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ही है ना, कि आप स्क्वाट करें। अच्छा उस दिन बड़ी अजीब वैसे खबर होती है, आई डोंट नो इफ आई शुड डिस्कस दिस और नॉट, लेकिन दे से कि जब से इंडियन टॉयलेट्स खत्म हुए हैं जो न्यू जनरेशन है उनके घुटने बहुत ज्यादा वीक हो गए। दे कैन नॉट, मतलब आप जो है, और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके अंदर कि वो जाते थे और ये जितने भी टीनएजर्स थे उनको कहते थे कि आपने 4 मिनट के लिए स्क्वाट करके जो है ना बैठना है, तो आप बैठ सकते हैं। एंड कोई भी उनमें से जो है नहीं बैठ सका, वो गिर जाते थे और या वो जब खड़े होते थे उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होती थी। तो ये जो मॉडर्न चीज है जिसमें जिंदगी आसान करें, स्पेशली मैं तो कहती हूँ रिमोट कंट्रोल दुनिया जो आ रही है, जब इधर से बैठ के रिमोट से हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं आप, बस फिर ऐसे ही बड़े होंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं बढ़ते खाने पीने में भी कहते रिफाइनमेंट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। यस, कितना आप रिफाइन करने वाले हैं ना, कितने ज्यादा। जैसे मैं दूसरा बता रही थी कि जो लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं कि घर में हर वक्त पोछा, हर वक्त सफाई, कभी मिट्टी में नहीं खेले, कभी बाहर नहीं गए, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक होती है बिल्कुल। तो वो जो गाँव के बच्चे होते हैं मिट्टी में खेल खेल के जो है वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है, बड़ा होता है, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ये मिट्टी में ऐसे जरासीम है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, मिट्टी में वो जरासीम है। हम मुर्दे को क्यों दफनाते हैं कि हमारी जो गोश्त है उसको राख कर देता है। स्क्वाटिंग भी करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन भी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन भी कम होती है, बिल्कुल। देयर इंटेस्टाइन सीम्स टू वर्क बेटर, एग्जैक्टली। दे इस तरह की जो है छोटी छोटी स्टूल्स आ रहे हैं, दे कॉल देम द यू नो द टॉयलेट स्टूल्स, कि वो आपने रखने हैं, वरना एंड यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ आपका जो है कैंसर, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, कोलन कैंसर कहते हैं उसको, वो उसकी वजह से होता है, बिकॉज यू नो योर आपका जो है प्रॉपर वो सिस्टम जो है नहीं चल रहा है ट्रीटमेंट का। तो ये सारी चीजें हैं, नहीं और पहले पुरानी सफाई भी इसमें, पहले पुराने जमाने में टिश्यू पेपर नहीं होते थे, मिट्टी से साफ करते थे, इवन के तयम्मुम भी मिट्टी से होता है क्योंकि मिट्टी पाक होती है, वो हमारे जरासीम को खा जाती है। ये बस ये नए नए डेवलपमेंट जो है ना ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, यू हैव अ प्राइस, बिल्कुल बिल्कुल। सो समटाइम्स थोड़ी अक्ल इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये जो डायलिसिस है ये कितना फ्रीक्वेंट होता है और कितना पेनफुल होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस जो है वो ऑन द एवरेज जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जी 12 hours अ वीक, दैट मीन्स कि जी 4 hours ईच टाइम यानी 3 times अ वीक इज द यूजुअल प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का इशू है, इसलिए यू कैन से कि जी कॉम्प्रोमाइज है कि जी कम अज़ कम 2 दफ़ा करवा लें। अच्छा। देखें किडनी तो आपका 24 hours a day काम करता है,
और ये लिमिटेड एक्सपोजर है जो डायलिसिस का मकसद है उसके दो प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल है डिफ्यूजन और दूसरा कन्वेक्शन। दैट मींस के जी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है अगेंस्ट ग्रेडियंट। तो दूसरा फिर सॉल्ट एंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि पेशेंट के अंदर जो स्वेलिंग है जो सोजिश है उसको कम किया जाए, कम किया जाए। सही। तो ये प्रोसेस इज अबाउट 4 hours ईच टाइम। इट्स अ वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ। नेचुरली इट इज, आई मीन इसीलिए ट्रांसप्लांट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। बट द डोनर्स आर यूजुअली, हां डोनर्स अब हमारे यहाँ बेसिकली कैडेवर डोनर नहीं अभी तक बना, हालांकि ला बन गया था 2009 में, लेकिन उसके ऊपर कोई खास पेश रफ्त नहीं हुई। What is a cadaver donor? Means कि ब्रेन डेड, जो मसलन एक्सीडेंट विक्टिम्स हो या आईसीयू में किसी को, यू नो ये हार्ट इज बीटिंग बट द ब्रेन इज डेड, उनसे आप रिट्रीव करते हैं ऑर्गन और फिर वो ऑर्गन जो है ना वो इन पेशेंट्स को डोनेट करते हैं। सही। दूसरा आपने कहा कि जी कॉस्ट ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस जो है ऑन द एवरेज कुछ गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने चंद मशीनें लगाई हुई हैं, लेकिन वो ये है कि किडनी की बीमारियां जो नीड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, सिर्फ 2 machines या 3 machines लगाने से चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एवरेज जो कास्ट इन द प्राइवेट सेक्टर है वो 5,000 to 6,000 के करीब है पर ट्रीटमेंट, जिसमें मशीन का इस्तेमाल भी है और जो डिस्पोजेबल स्टाफ है वो भी यूज होता है। ठीक है। सही। और ऑब्वियसली दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर, पेशेंट हैज टू कम टू द सेंटर टू द यूनिट यू नो 2-3 times a week। फिर मरीजों की इतनी फिजिकल रिहैबिलिटेशन नहीं होती, 1-2 अटेंडेंट भी साथ बेचारों के साथ होते हैं, तो फिर इट बिकम्स अ वेरी बिग अंडरटेकिंग के भी वीक्स ओवर वीक्स मंथ्स ओवर मंथ्स यू नो आप के साथ आ रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी मच फाइनेंशियल ड्रेनेज ऑन द फैमिली। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इज कि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। पहले तो ऐसी कोई किडनी डिजीज जो इनहेरिटेंस में आती हो, तो इनहेरिटेड हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, इनहेरिटेंस के लिए तो आपको बेसिकली जो सबसे कॉमन डिजीज है उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक, हाँ, ये इनहेरिटेड डिजीज, उसमें छोटी छोटी सिस्टम बन जाती हैं। अच्छा। फिर अल्टीमेटली वो सिस्टम इतनी बढ़ जाती हैं कि वो जो किडनी फंक्शनल टिश्यू है उसको रिप्लेस कर देती हैं। फिर दीज पेशेंट गो इनटू रीनल फेलियर, उसके लिए फिर आपको जेनेटिक काउंसलिंग चाहिए। ठीक है। कि भाई आगे से आप सिबलिंग्स ना पैदा करें ताकि वो इंसिडेंस जो कम हो। अच्छा। ये हाँ 5-6% के करीब जो हमारे पेशेंट एंड स्टेज डायलिसिस पे आते हैं उनके अंदर ये जेनेटिक बीमारी है। अच्छा। जो सबसे कॉमन 2 बीमारियां हैं जो कि किडनी को अफेक्ट करती हैं, एक डायबिटीज है और एक हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन। हाँ, अब ये दोनों चीजें आप इनको प्रिवेंट कर सकती हैं, स्लो डाउन कर सकती हैं बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप हेल्दी लाइफ करेंगी तो डायबिटीज भी की डेवलपमेंट भी जो है वो भी हार्ट हो सकती है। रेगुलर वॉक करें, राइट टाइप ऑफ चीज़ें खाएं, तो डायबिटीज बिल्कुल डायबिटीज। हाँ, हाइपरटेंशन है वो भी साल्ट की। सिविलाइजेशन के 2 poisons है, चीनी और नमक। हाँ, दोनों सफेद हैं। हाँ, और फिर ये सारी बीमारियां क्रॉनिक फेज में चली जाती हैं। तो क्रॉनिक फेज में चली जाती हैं, हार्ट आपका खराब हो जाता है, आंखें आपकी जाया हो जाती हैं, लिम्ब आपके वेस्ट हो जाते हैं, गैंग्रीन बन जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है। आई मीन दीज, ये बीमारियां जो है दे इफेक्ट फ्रॉम हेयर टू द टो, टू द टो। यस, इट्स अ फुल बॉडी बेसिकली patient to becomes at the, it's so scary जब हम ये सुनते दिल करते सारे खाने पीने छोड़ दें, you know, especially जो आपका ये white poison है। अच्छा, salt का मैं एक सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में, एक आयोडीन मिला नमक और एक बगैर आयोडीन के नमक, which one is beneficial for you? आयोडीन तो basically वो है for the goiter, yes. Iodized salt is a must, is a must, ताकि आपको वो गाइटर ना हो। गाइटर अगर होता है तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल ठीक है, डेफिशिएंसी की, मेंटल डिटीरियरेशन हो जाती है, फिर थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी वाइटल हार्मोन टू कीप यू हेल्दी एंड कीप योर स्किन यू नो ग्रोइंग। हां, सो उसकी आपने
इश्यूज़ हैं, सो आयोडाइज़ साल्ट। ठीक है, अच्छा जी, किडनी फेलियर के साथ जनरली आपकी लाइफ ड्यूरेशन या एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है ऑब्वियसली, इट इज़ किडनी फेलियर जो है इनवेरिएबली उनके साथ आपको हार्ट के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, हाइपरटेंशन भी होती है, हार्ट भी एनलार्ज हो जाता है, आपके अंदर हार्ट फेलियर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होती है, स्ट्रोक हो जाता है, हाइपरटेंशन होती है, साथ आपकी नालियाँ जो हैं शरियाने वो तंग हो जाती हैं, हार्ट फेलियर के इंसिडेंस और बढ़ जाता है, लेग्स जो हैं उनकी वेन्स आर्टरीज जो हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं, सो यू हैव अ लिमिटेड लाइफ। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एक दफ़ा आप डायलिसिस पे चले जाएं, एक तो नंबर वन के जी डायलिसिस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किस्म का है, इट्स नॉट 100% रिलायबल। हाँ, रिलायबिलिटी की बात नहीं है, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सोसाइटी की नहीं, बड़े लिमिटेड स्केल पे है। अमेरिका में या यूरोप में वंस यू डेवलप ए किडनी फेलियर दैट इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करती हैं द सर्विसेज एंड विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली नो बडी कैन अफोर्ड। आप देखें ना, अगर किसी पेशेंट को पाकिस्तान में डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए 3 times a week or 2 times a week और ईच टाइम कास्ट यू मोर देन 5,000, तो 50,000 तो आपका वैसे ही चला जाता है। उसके बाद दवाइयों का खर्चा है, उसके बाद एक दो बंदे जो उसके साथ डिसेबल हो जाते हैं इन द सेंस कि जो उसको लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, यू नो, आई मीन अगर आप किसी को असाइन भी कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाहें अलग होती हैं, हां हां, आप कांट अफोर्ड इट, यू कैन नॉट अफोर्ड इवन अ पर्सन विद रीजनेबल मीन, चलो एक महीना अफोर्ड कर लेगा, 3 महीने अफोर्ड कर ले, उसके बाद वो भी हाथ खड़ा करके बैठ जाएगा भाई। बिल्कुल, हां, एंड ट्रांसप्लांट फिर एक और लंबा, वो पहले वो डोनर मिलना, वो मैच मिलना, बिल्कुल बिल्कुल, एंड देन यू नो इवन दैट इज वेरी कॉस्टली। सिम्पटम्स ऑफ किडनी फेलियर क्या है, व्हेन शुड यू स्टार्ट, यू नो, व्हेन शुड यू फील वार्न्ड? हां, सिम्पटम्स का बेसिकली डिपेंड करता है कि जी आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाइपरटेंशन है बिकॉज देर इज सम जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, तो आपको उसके लिए भी केयरफुल करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जी आपने वेट गेन नहीं करना, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपने जो रीजनेबल किस्म की फूड है आपने उनको, एंड वंस यू आर डायग्नोस्ड फिर आपने अपनी केयर भी करनी है, ये नहीं है कि जी आप बिल्कुल छोड़ जाएं अपने आप को और फिर कंटिन्यू ना करें। जो मेन सिम्टम्स किडनी डिजीज़ के हैं कि यूजुअली जो जिसको हम कहते हैं नेफ्राइटिस, उसके अंदर जो सिम्टम्स पहले अपीयर होते हैं वो स्वेलिंग शुरू हो जाती है, या आंखों के अराउंड होती है या टखनों के अराउंड, लेग्स स्वेलिंग जिसको हम एडीमा बोलते हैं वो उस तरह प्रेजेंट करते हैं, फिर यूरिन की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, जब फिल्ट्रेशन होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, निकलते हैं, तो यूरिन का रंग पीला होता है। सही। जब किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम आहिस्ता आहिस्ता कम करें तो वो यूरिन जो है ना वाइटिश पानी की तरह होना शुरू हो जाता है, दैट इज अ वेरी गुड साइन के जी समथिंग इज गोइंग ऑन। फिर पेशाब की मकदार, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी के उसके अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाता है, रात को पेशेंट ज़्यादा उठना शुरू हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होती, वो बार बार थोड़ा सा पेशाब आता है तो पेशेंट जो है ना उसको हाजत होती है कि जी बार 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 जाए, फिर उसको कमज़ोरी निकाहत शुरू हो जाती है, बाज़ को टांगों में दर्दें, पट्ठों में दर्दें, हड्डियों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, भूख कम शुरू हो जाती है, फटीगेबिलिटी ज़्यादा, टायर्डनेस ज़्यादा शुरू हो जाती है, रंगत जो है वो तब्दील होनी शुरू हो जाती है, तो ये बड़े ऑब्वियस, हाँ, ऑब्वियस सिम्टम्स हैं, खून बहुत कम हो जाता है, खून कम हो जाता है, और ये किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई एज फैक्टर नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। सो मेन जो मैसेज हम आज दे रहे हैं दैट इज लाइफस्टाइल चेंज, हाँ, लाइफस्टाइल चेंज, हेल्दी लिविंग, समझे कि नहीं, वेट कंट्रोल करें, ठीक ठाक खाना खाएं, पानी का इस्तेमाल रखें, अवॉइड स्पेशली इस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ये बाहर की चीज़ें कम खाएं, क्योंकि फर्मेंटेशन है, यू नो आजकल बड़ा सीज़न है, वो योगर्ट शोगर्ट वगैरह बाहर वो आप खाती रहती हैं, चाटे माटे, यू नो, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंटेमिनेशन फूड्स, एंड वंस यू हैव गैस्ट्रोएंटेराइटिस फिर उसके
obviously infection, diarrhea is very very common in this weather. I feel so guilty right now, doctor साहब. मतलब आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं, कुछ पता होते हुए भी हम ख्याल नहीं रखते. और I ate outside yesterday और मैं ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी भी अच्छी जगह चले जाओ, एक बड़ी क्वांटिटी में खाना बनता है और वो सारा तो खत्म नहीं होगा. और स्पेशली अगर आप शाम को जा रहे हैं तो उसको अच्छे खासे 6-7 घंटे हो गए बने हुए. बिल्कुल बने. So you have to avoid that. और आज के सलाद भी ना खाएं किसी जगह पे, you know, क्योंकि they are all contaminated. All contaminated, exactly. Thank you so much, doctor साहब, for being here. You बहुत सारी दुआएं दें डॉक्टर साहब को और इतनी अच्छी बातें हमें वो बता के जाते हैं. सबसे मुफ्त के मशवरे भी तो मिल रहे होते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर. मिस सुषमा अभी हमारे साथ हैं, आपको बताएंगे ऐसे फूड्स जो आप अपनी अगर रोजमर्रा की खुराक में शामिल करें तो आपकी किडनीज हेल्दी रह सकती है, और ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. एक छोटी सी ब्रेक के बाद. मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद, हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे हिना ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हूँ. आज हमने बोलने दिया एक दूसरे को, हम एक साथ सलाम करते हैं, एक साथ पूछते हैं, कैसे आदत एक साथ जवाब देते हैं ना. हम ठीक ठाक, हमें आदत होगी इकट्ठा बोलने की, है ना. अच्छा, आज हम ये नाश्ते की डिश बना रहे हैं. पहले तो मुझे ये बताएं कि ये दिन के खाने की डिश है? ये दोनों की डिश है. दोनों की डिश है. सुबह से मैंने सुना ना कि छोले बन रहे, मैंने कहा साथ में पूरी भी होगी, पराठे होंगे, यूजली तो वही होता है ना. ये छोले बन रहे नहीं, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि आयत के नादिया थी जिन्होंने कहा था कि छोलों का थोड़ा बता दें, पर कर दें, फिर वो फौरन याद होता है तो फिर वो रेसिपी फटाफट बन जाती है, बन जाती है. और ये जो छोले हैं ये ऐसे कि जो हम होटल्स में बनाते हैं और आप जब ढाबों पे जाते हैं तब भी यही खाते हैं. वैसे तो ट्रेडिशनली हमारी जो अम्मियों ने सिखाए वो प्याज टमाटर भून भून के मसाले ग्राइंड करके वो है, लेकिन इसमें टमाटर का कोई इस्तेमाल नहीं है और इसमें चीजें कम है. देखने में आपको हमेशा की तरह ढेर ढेर लग रही होंगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी चीजें. और ये जो है छोले, आप ये समोसों के साथ भी खा सकते हैं, हलवा पूरी के साथ भी खा सकते हैं. ठीक, हाँ सही. और ये ट्रेडिशनल नाश्ते के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी मजे के लगते हैं. हाइटी पे भी अक्सर लोग जाते हैं तो ये छोले लगे हुए होते हैं वहाँ पे. हाँ. और हम इसके अंदर उबले हुए अंडे भी डालेंगे. अच्छा, ठीक है. क्योंकि अभी आज सुबह ही एक अंदर स्टूडियो में एक खातून ने बताया कि जो कश्मीरी है वो उसमें अंडे इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, तो ये पंजाबी छोले थोड़े से मिक्सचर हो गए, कश्मीरी और पंजाबी छोलों का, पंजाबी और कॉम्बिनेशन. ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स पहले हम बता देते हैं. अच्छा, हाँ इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और साथ साथ ये जरा गर्म करते हैं. इजी सी रेसिपी है. चने तो आपने उबालने ही उबालने हैं. ऑफ हो गए, ऑन करने हैं? हाँ जी, अभी कर लेते हैं ऑन. अच्छा, चने आपने उबालने हैं, लेकिन इसका काइंडली पानी मत फेंकिएगा क्योंकि इसके अंदर ही जायका होता है. अक्सर लोग इसका पानी आउट करते हैं, वो बिल्कुल फोके रह गए. ठीक है. अच्छा, प्याज फाइन चॉप जितना आपको जरूरत है, ज्यादा प्याज नहीं डालेंगे इसलिए कि फिर ये मिठास कर देता है बहुत ज्यादा. ठीक है. पहले तो हम ऑयल लेंगे, ऑयल में प्याज ब्राउन करेंगे और ये गार्लिक है फ्रेश, लहसुन. अच्छा, थोड़ी सी कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, थोड़े से खट्टे खट्टे से हो जाएंगे. ठीक है. धाड़ा मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जितनी आपको मजे की लगती है, पसंद है, ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो डालें. ठीक है. ये साबुत सूखा धनिया है क्योंकि मसाले इसमें ये सूखे मसालों से ही इसका इसकी ग्रेवी बनेगी. ठीक है. सूखा धनिया है, थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ. ये है जीरा, हल्का सा भुना हुआ और कुटा हुआ. ठीक है. हरी मिर्ची इस्तेमाल होंगी जितनी आपको पसंद है. ये आपको नजर आ रही है खुश्क आलू बुखारे हैं. ठीक है. क्योंकि कलौंजी डालेंगे साथ में, हम थोड़े से आलू बुखारे भी डालेंगे, इससे जरा बड़ा मजे का खटे खटे से हो जाएंगे चने. ठीक. हल्दी, लाल मिर्च, नमक, जबरदस्त, ये बेसिक चीजें हैं. अच्छे, मैंने ये उबले हुए अंडे रखे हुए हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें और अगर नहीं पसंद तो बेशक मत डालें, लेकिन अगर आप ये नाश्ते के तौर पे बना रहे हैं तो भी उसमें ये इस्तेमाल करें, बहुत मजा आता है. फुल बॉइल्ड एग हो ऊपर आप गार्निश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये आपको पानी नजर आ रहा है, ये चनों का ही पानी है जो रखा हुआ है. अच्छा, मुझे इमली लग रही थी. नहीं, इमली नहीं है. ठीक. और ये गार्निश जो रखी हुई है ये हम उसको लास्ट पे तड़का लगाएंगे. ठीक है. ये बीच में नहीं डालना. हाँ, ये नहीं बीच में नहीं डालना. ये लहसुन सॉरी अदरक है, जीरा, हरी मिर्चें हैं और मोटी जो मिर्च होती है. और ये इजी सी रेसिपी है, कोई इतनी लंबी नहीं है. ठीक है. ऑयल डालें, ऑलिव ऑयल डालें, बटर डालें, देसी घी डालें. ठीक है. मैं तो वैसे ये नाश्ते के लिए बना लूं, बड़े मजे की लग रही है. आसान और मजे की है. हाँ हाँ. इसमें आप कई लोग को पसंद होता है ये चिकन इस्तेमाल करना बीच में, लोग चिकन भी डालते हैं कढ़ाई सी बना के, आप उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मुर्ग छोले के. हाँ, लेकिन हर वक्त हम मुर्ग और गोश्त पे ही लगे रहते हैं काम करने, थोड़ा सा सिर्फ वेजिटेबल पे भी होना चाहिए. प्रोटीन जो है ना वैसे भी ले. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम.
मैडम क्या सुंदर कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी डिश बना रही है ये। थैंक यू, ये फरमाइश है हमारी कॉलर की ही। बस ये मैं भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमें तस्वीर जरूर भेजिएगा बना के। हाँ जरूर सुंदर। और सुंदर सर, आप ड्रेस डिजाइनर हैं आपकी जी, उसके बारे में मुझे पूछना है, अगर वो मुझसे एक सवाल का जवाब दें। जी जी, आपने ड्रेस डिजाइनर से बात करनी है, कीजिए। जी जी, मुझे पूछना है पटियाला सलवार जो होती है उसके साथ शॉर्ट शर्ट चलती है या थोड़ी दरमियानी लॉन्ग शर्ट भी पहन सकते हैं? अच्छा ठीक है, बता देती हूँ आपको। निम्रा बताइए, हम निम्रा को वेलकम तो कर ले पहले। आपको पहले पता चल गया कि हमारे साथ जो है ना हमारी ड्रेस डिजाइनर है, हमें ज्वाइन किया यहाँ पे निम्रा ने, वेरी ब्यूटीफुल। और आज हम आपको वेस्टर्न जो है पहले जी बिल्कुल आपको पहनना सिखा रहे हैं, लेकिन आपके देसी सवाल का भी हम जवाब दे देते हैं। जी निम्रा जी, बेसिकली पटियाला सलवार के साथ जो ट्रेडिशनली आप पहनते हैं वो तो आप छोटी शर्ट ही पहनते हैं, लेकिन आजकल एक ट्रेंड थोड़ा सा चेंज है, नी लेंथ की शर्ट्स भी चल रही हैं। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि पटियाला का जो घेर है वो बहुत ज्यादा कर देते हैं, और उसके साथ अगर आप नी लेंथ तक भी पहनेंगे तो वो नजर आएगा घेर। शॉर्ट शर्ट हम इसलिए कैरी करते हैं ताकि हमारा घेर विजिबल हो जाए, तो अब हम अगर आप घेर बढ़ा देंगे और शर्ट की लेंथ लंबी कर देंगे तो भी वही चीज हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है कि इंसान की बॉडी टाइप कैसी है जी। ये तो आपको मैंने हमेशा से कहती हूँ कि अपनी फिजिक के लिहाज से अपनी ड्रेसिंग को चूज करें। अगर आप थोड़े से चबी हैं तो फिर अगर आप लॉन्ग लेंथ में भी जाते हैं तो वो इजीली आप कैरी कर सकते हैं, अच्छी लगेगी। अगर आप थोड़ी सी लंबी कमीज पहनेंगे ना, हर एक के लिए नहीं होता ना। हाँ, लेकिन और जो आप कैरी अच्छा कर सकते हैं वो फैशन है, जिसमें आप खूबसूरत लग रहे हैं वो करंट फैशन है। लेकिन आई थिंक ये भी पता होना चाहिए कि कैरी क्या क्या करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, वो हम है ना बताने, निम्रा है ना बता रही है ना कौन सी चीज आपने कब पहनी है, किस कट की पहनी है। एक मॉडल तो हमारे पास है ना मौजूद, जो पहने ये इधर नहीं, मैं पटियाला सलवार पहन सकती हूँ ना, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ अपनी सिलवेट को देख लिया करें, जो लोग थोड़े से चबी हैं वो लोग थोड़ी लंबी कमीज अगर पहनेंगे तो वो ज्यादा अच्छी लगेंगी, है ना। और हाफ स्लीव्स नहीं, थोड़े लंबे स्लीव्स। मैं यूजुअली क्या करती हूं, बैक लेंथ थोड़ी सी लंबी रखवाती हूं, थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। हां बिल्कुल, वो हमें जो है ना वो, लेकिन अच्छी लगती है। लेकिन ऐसे ही तो आप बेधड़क जो मर्जी पहने। थैंक यू जी, थैंक यू, वैसे आपका प्यार है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली, अच्छा आपने जो प्याज के बारे में आज एक बात कही ना, ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुई कि जिस भी चीज में क्वांटिटी, मैं हमेशा कीमा बनाती थी और कीमा मीठा होता था, और मैं कहती थी ये मुझे इतना बुरा लगता है मीठा कीमा, फिर मुझे पता चला कि ये जो प्याज जिस चीज में ज्यादा हो जाए हाँ, वो उसमें मिठास आ जाए, मिठास आती है बिल्कुल, है ना। और वो उसको उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई इसका, हालांकि इसके बगैर अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा भी लगता, भी कम इस्तेमाल करें ना। लेकिन वो एक एक चीज और हमेशा याद है कि जो मिस हशमत हमेशा बताती है कि प्याज 2 घंटे बाद आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने ऐसे ही रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है तो या तो इसको सौते कर लें, ब्राउन करके रख लें ताकि वो पॉइजनस ना हो सके, उसके अंदर टॉक्सिंस ना आए, लेकिन ना हो। अच्छा ये हम, मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ आपको कि इंग्लिश खानों में हम प्याज ब्राउन नहीं करते। अब देसी खाने तो हर हर घर में बनते ही हैं 100%, तो सबको ही पता है कि प्याज ब्राउन करना ही होता है, और लहसुन भी डालना है बीच में, अदरक भी डालना है। तो अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ कि बजाय पूरे सही तरह से पेस्ट बना हो उससे अच्छा है कि आप चॉप लो मुंह में, उसका ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है हमेशा। हाँ, टेस्ट अच्छा आता है मुंह में और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अच्छा जीरा मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पहले डाल लें ताकि उसकी भुनाई में उसकी खुशबू अच्छी आएगी। ठीक है, अगर आपको पसंद हो टमाटर आपने डालने ही डालने हैं तो आप छोटा छोटा फाइन करके डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में टमाटर का कोई इस्तेमाल नहीं। और ये घर में अगर आपने चने उबाल के रखे हुए हैं, फटाफट मेहमान आए तो यकीन करें कि 5 मिनट में बन जाते हैं। 5 मिनट में बन जाए। सिर्फ चनों को उबालने का तरीका भी मैं पूछती हूँ कि कितना उसके अंदर, वो क्या सोडा डाल दें? सोडा और नमक लाजिम, ठीक है। लेकिन उससे भी फिर बड़े मसले होते हैं ना बाद में। कम कम डालें ना, बिल्कुल। जब भिगोते हैं ना, जैसे ये ओवरनाइट आपने भिगोए हैं चने, तब आपने उसके अंदर सोडा डाल देना, आधा चम्मच या 1 चम्मच जितनी आपकी ये रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। और उसके बाद वो पानी आउट कर लें और ताजे पानी में आपने इस्तेमाल करना है बना के दोबारा, ठीक है। वही जो है पानी ना इस्तेमाल, वो पानी नहीं आपने इस्तेमाल। अच्छा जी, मैं साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सुंदर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। बस माह रमजान के बाद आज मेरी कॉल मिली है। इतने अरसे बाद बात हो रही है हमारी, है ये गुस्ताखी कैसे किया आपने? आपने हमें पहले क्यों नहीं कॉल की? पहले थोड़ी मसरूफ रही हूँ, थोड़ी ट्राई भी बीच में की थी, बस हमारे लिए इतना सा टाइम नहीं निकाल सके आप हमारे लिए, है दुख हो गया। तो आपकी, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, मैं तो माह रमजान में रोजे रख के फोन कर, मुझे पता है। नहीं राहिला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हम जो है ना पहचानते हैं आपको, बड़ा अप्रिशिएट। गिला भी तो अपनों से ही होता है ना?
बिल्कुल गिले में तो प्यार होता है ना, है ना, देखा ना, इसलिए फिर हमें अफसोस होता है ना इतनी देर तक बात ना होती। अच्छा आज जो मेरा सवाल है इसका तो जवाब दे। क्या सवाल? सवाल मेरा ये है कि मिसाल देने में और मिसाल बनने में जो है बड़ा फर्क होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मिसाल दी जो जाती है वो दूसरे के बारे में दी जाती है, तो मिसाल जो बना जाता है वो खुद बनता है बंदा, लोगों के सामने मिसाल। ज्यादा आसान क्या है? ज्यादा आसान क्या है? मिसाल देना तो आसान है लेकिन करके दिखाना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही, सही कह रही है ना, इंसान को पहले खुद बनना चाहिए मिसाल, फिर मशवरे देने चाहिए। हाँ फिर मशवरे देने चाहिए, बन के दिखाना थोड़ा मेहनत वाला काम है, ज्यादा मुश्किल पे चलना। बिल्कुल सही कह रही है। हमसे कोई सवाल है आपका? बस सवाल ये है कि आजकल लॉन्ग शर्टें भी चल रही हैं और शॉर्ट भी चल रही हैं, तो ये शादी ब्याह के लिए अगर बरी बनानी हो या जहेज के लिए तो हमें किस किस्म की ड्रेसिंग करनी चाहिए, सिलानी चाहिए, जो थोड़ा रिवाज रहे दो चार साल? ठीक है, मतलब लॉन्ग शर्ट भी चल रही है, शॉर्ट भी चल रही है और आप चाहती है कि वो जरा फैशन जो है उसमें इन रहे, तो आजकल शादियों का भी बड़ा सीजन है। और ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो साथ कपड़े लेके जाने होते हैं जहेज वहेज में, तो आई डोंट बिलीव, अगर आपने खुद अपनी मर्जी से कुछ साथ लेकर जाना है तो उसके लिए जो लड़कियां कपड़े बनवा रही होती हैं तो वो किस तरह के बनवाएं ताकि वो आगे जो है काम भी आए। बिल्कुल ऐसा ही है, आप उसमें ये हो सकता है एक क्लेवर टिप ये है कि आप उसमें पैनल्स वाली शर्ट्स डालें। पैनल्स वाली शर्ट्स जो है वो ज्यादा लंबा अरसा गुजार लेती हैं फैशन के लिहाज से, क्योंकि फैशन बहुत ज्यादा चेंज होता है टाइम टू टाइम, बहुत कभी बहुत क्विकली भी होता है। तो उसमें ये है कि आप पैनल वाली शर्ट्स बनाएं जिसके ऊपर आप काम भी करवाएं, पैनल्स में आप नेट भी यूज हो सकता है, वेलवेट भी यूज हो सकता है। तो अगर आपका फैशन चेंज होता है तो आप पैनल्स को स्विच कर लेते हैं, मतलब पैनल्स आपने खोले साइड सीम से और आप पैनल स्विच कर लें, वेलवेट अगर आउट ऑफ फैशन हो गया तो उसकी जगह नेट को रिप्लेस कर दें, और अगर लेंथ का वो है तो आप मीडियम लेंथ बनवाएं। क्योंकि देखिए जो छोटी शर्ट है वो लंबी हो सकती है और लंबी अगर आपने छोटी करनी है वो भी पॉसिबिलिटी आपके पास है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द मीडियम लेंथ अगर आपने बरी के कपड़े वगैरह बनाने। बिल्कुल, और मीडियम लेंथ एक ऐसी लेंथ है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं, चाहे छोटी शर्ट का फैशन हो तब भी वो मीडियम लेंथ चलेगी जो थोड़ी सी घुटनों से ऊपर होती है, और अगर आपकी जो है लंबी शर्ट का फैशन है तब भी वो चलेगी, हमेशा क्लासी लगती है और उसमें आप अच्छे ही लगते हैं। अच्छा जी, फिश तो रेडी है ऑलमोस्ट, वाह जी तो बन गई, बस एक ही गो में, एक ही गो में हम तड़का फटाफट लगाएंगे। अच्छा ये जो मैं आपको बताती हूँ कि प्लीज ये इसका जो पानी है अपना चनों का वो मत आउट किया करें, उसमें वही आपको सारा होता है। अगर आपके घर पे जैसे मुर्गी लेकर आते हैं अक्सर लोग उसकी गर्दन और पंजे वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, उसको आप ना उबाल लिया करें, स्टॉक बना लिया करें, ठीक है, जिस तरह इस तरह के खानों में या चावल उबले बना रहे हैं या कोई भी सालन जिसमें शोरबा इस्तेमाल होना है, आप उसमें पानी की जगह पे वो स्टॉक इस्तेमाल किया करें, वो जाया नहीं होता, वो मजे का भी लगता है और आपको जो मुर्गी की ख्वाहिश होती है चिकन नहीं है वो फ्लेवर भी आता है आर्टिफिशियल की जगह। ठीक है जी, तड़का हम जो है प्रिपेयर करते हैं साथ में करते हैं क्योंकि बस फिर हम ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसका नमक चेक करेंगे कि नमक मिर्च का क्या है कि नहीं। आप इसके अंदर उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं, अभी देखिए आपके सामने कितनी जल्दी तैयार होगी फौरन बन गई, बस आपके अगर चीजें रेडी हो घर में हर चीज तो है, आप बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आए। ठीक है जी, अच्छा हमारी ब्रेक का टाइम हो रहा है तो हम जल्दी से ब्रेक लेते हैं, पहले ब्रेक पे जाएंगे फिर तड़का लगाएंगे। हाँ फिर आपको क्योंकि अभी टाइम है ना इसको थोड़ा सा और होने, थोड़ा सा हम इसको दम पे रख देते हैं। मॉर्निंग, एक सवाल जो था मैं चाह रही थी कि हम वो जरा किडनी वाला पूरा जो वो है उसको रैप अप करें, तो ऐसी कौन सी खुराक है जो अगर हम रोजमर्रा की उसमें डाइट में शामिल कर लें तो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम किडनी को खराब होने से? गोश्त, चिकनाई और नमक ये अपनी खुराक में कम रखें। अच्छा, प्रोटीन और दूसरा, हाँ और दूसरी ये बात है कि पानी, आप जैसे आजकल के मौसम में हमें पसीना भी बहुत आता है, हमें प्यास भी नहीं लगती, तो हमें पानी भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल, तो शिकंज भी बना लें और अगर उसके उसमें चीनी की बजाय आप गुड़ डालें तो उसका फ़ायदा और भी डबल हो जाता है। अच्छा ज़बरदस्त, गुड़ जो है ये नेचुरल सोर्स है ग्लूकोज का, तो आपको एनर्जी भी मिल गई, मीठा पानी भी मिल गया, आपके सूदिंग भी है और आपको जायका भी मिल गया और आपको लिक्विड भी मिल गया।
और अगर उसमें थोड़ा सा नमक भी डालें तो जितना हमारा गर्मियों में हमारे बॉडी एवोपरेट करती है, हमारा पसीना निकलता है, हमारा सोडियम कम हो जाता है, वो भी बैलेंस हो जाता है, तो फिर हमें थकावट महसूस नहीं होती। इस मौसम में आप महसूस करते हैं हर बंदा थका हुआ है, इतना पसीना निकला होता है, सोडियम निकला होता है, तो वो रिप्लेस हो जाता है, इंसान फ्रेश हो जाता है। तो ये सिकंज भी जो है ये इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, जिन लोगों को किडनी स्टोन हो जाते हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे? किडनी स्टोन होते क्यों हैं? अगर वो ये चीज़ें अवॉइड करें जो हम बताते हैं कि आप चिकना ना खाएं, आप ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, तो हमारी ये चीज़ें बनती नहीं है। और पानी पिए सही मिकदार में, आजकल के मौसम में आम आया है, ये भी किडनी के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल, आप इसका मिल्क शेक बना सकते हैं, आप आम खा सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप आम खा सकते हैं। गर्मा बहुत है, आप गर्मा खा लें, एक तो डाइजेशन सही हो जाता है, दूसरा हमारा सारी बॉडी को फिल्टर को साफ कर देता है। अच्छा, जबरदस्त। इंजीर आजकल आई हुई, इंजीर हमारे बदन में कोई पत्थर, कोई रेत, कोई चीज़ नहीं छोड़ती है, निकाल देती है। अच्छा, और आप देखें आजकल मौसम इंजीर का है, थोड़ा सा मौसम है लेकिन इंजीर इसमें फ्रेश आई हुई है, फ्रेश आई हुई है। आप ये खाएं तो आपको ये नहीं होगा। बिल्कुल, और अगर हो गया तो उसका भी इलाज है, वो थोड़ा सा लंबा है, वो बताना पड़ेगा। जी जी, बताइए। अच्छा, मूली का पानी आधा कप सुबह निहार में रोज पी लें, ठीक है, और 2 लीटर आपने जौ का पानी पीना है, ठीक है, दिन में सुबह और शाम वॉक करनी है, जो कुछ आपकी बॉडी में सारा कुछ निकल जाएगा। हाँ। सही, जबरदस्त। अच्छा, ये इलाज नहीं है, किडनी स्टोन एक दफा बने तो आपकी किडनी को आदत हो गई, तो किडनी बार बार स्टोन बनाती है। बार बार स्टोन बनाने से बचने के लिए जब आपकी किडनी क्लियर हो जाए उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कर लें ताकि आपको तसल्ली हो। सारी जिंदगी 1 चम्मच सिरका ऑर्गेनिक, ठीक है, और 1 चम्मच सौंफ, ये खुराक में शामिल रखें, दोबारा आपका किडनी बनने का अमल, स्टोन बनने का अमल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये हम आपको टिप बहुत दफा जो है बता चुके हैं और ये वाकई काम भी करती है, इसमें बहुत अच्छा फीडबैक भी जो है हमेशा मुझे आया। अच्छा जी, हमारे पास मास्टर साहब भी आ गए हैं और हमने आपको दिखाने हैं कि आज जो बता रहे थे, जो हमको वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस बता रहे हैं, हमारी मॉडल है हमारे साथ ऐना आज जी, निम्रा बताइए जी, आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप वेस्टर्न और ईस्टर्न का फ्यूजन कर सकते हैं एक टोटली वेस्टर्न आउटफिट को कैरी करके। ठीक है, उसमें ये देख सकते हैं कि आप, मैंने इस मॉडल जो कैरी किया हुआ ड्रेस वो टोटली ब्लैक में है और उसके ऊपर मैंने टिपिकली करदाने की टॉप दी है जो कि काफी फैंसी में है और इसके ऊपर टिपिकली करदाना है, डिस्को थीम लग रही है ना, है ना, मैं इनको पहले भी कहा था, बिल्कुल ऐसे ही है, जाके डांस करें तो ये मोती और करदाने का ब्लेंड है और इसके ऊपर ये हैंडमेड मैंने फ्लोरल वो लगाए हुए, छोटे छोटे हमने मोटिव्स बना के लगाए हुए जिसके अंदर भी टिपिकली ये जितना भी मटेरियल है एम्बेलिशमेंट का वो सारा ट्रेडिशनल ही है, उसको मैंने एक वेस्टर्न कट में डाला है और साथ में अगर आप थोड़ा सा और वेस्टर्न लुक देना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक बेल्ट है, ये वो बेल्ट है जो आप इजीली अपने पैंट्स वगैरह में यूज करते हैं, तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न आप यूज कर लें, किसी भी टॉप के ऊपर बांध लें ताकि आपकी फिटिंग भी आ जाए और आप स्मार्ट भी लगे, सिलुएट टाइप की जो है ना वो और स्मार्ट हो जाएगी। और साथ में बिल्कुल स्ट्रेट पैंट्स हैं जो कि आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा हमने स्टाइलिश चीज ये किया कि हमने इसमें पैनल ऐड किया है, पैनल पैंट्स थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि आपने पैनल की शेप वगैरह देनी होती है, उसके तरीके से हमने बनाना है, वैसे इन्होंने सिल्क की स्ट्रेट जो पैंट्स है वो कैरी किया है साथ में। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं, पैंट्स? जी बिल्कुल, हम यही स्ट्रेट पैंट्स यहाँ पे बना रहे हैं लेकिन इसमें हमने एडिशन ये किया है कि हमने पैनल ऐड कर दिया। ठीक है जी, मास्टर जी ने एक स्केच ड्रॉ कर लिया जो कि हमारी बेसिक मेजरमेंट्स जो हैं जिसमें वेस्ट, थाई एंड हिप एंड लेंथ, ठीक है, जो कि हमारी पैंट की रिक्वायरमेंट्स है। जी मास्टर जी, कटिंग शुरू करेंगे इसकी। ठीक है, ये हम वेस्ट से स्टार्ट होगा जी, कटिंग हमारी देख सकते हैं अगर आप क्लोजअप में इसको क्लियरली, ये वेस्ट हो गई। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताते चलूं कि डार्ट हमने बना दिया है यहाँ पे और ये बहुत बारीक डार्ट है ताकि वो स्टिच हो जाए तो हमारी फिटिंग जो हिप का फिटिंग है वो इजीली आ जाए हमारी। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये पैंट्स किसकी लेंथ की बन रही है निम्रा? ये पैंट्स एक नॉर्मल लेंथ की बन रही है। अब नॉर्मल हूँ? नहीं जी, ये तो स्टैंडर्ड साइज है हमारे पास। अब मॉडल्स जो हैं और माशाल्लाह आपकी हाइट तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है, आई थिंक आप लोग टॉल लोग हैं तो आपके लिए काफी लंबी स्टैंडर्ड पैंट्स ना वो हमें आती नहीं है, जो आपको वो मिलती है ना उसके लिए हमें नीचे फिर जोड़ लगाने पड़ते हैं ना उनको लंबा करने के लिए।
आई थिंक एना से पूछते हैं कितना डिफिकल्ट है आपके लिए मतलब अपने साइज का, यू नो कि मॉडल्स बहुत ज्यादा टॉल होती हैं तो दे नीड टू वेयर समथिंग व्हिच इज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। रेडीमेड कपड़े मिल जाते हैं आराम से? मिल जाते हैं, लेकिन पैंट जो 26 वेस्ट की वो भी मुझे बेल्ट पहननी पड़ती है ना। तो ये अनहेल्दी नहीं होता मतलब खाना पीना प्रॉपर खाते हो? खाना खाते हैं लेकिन मोटी नहीं होते। माशाल्लाह, ये काफी लकी लोग होते हैं जो खाना खाते हैं और मोटे नहीं होते हैं ना। अच्छा मैं आपको इसकी शेप दिखा देती हूँ, अभी हमने काट लिया इसको, ये देखिए ये टोटली अच्छा थोड़ी सी बेल में है जी बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा इसका फ्लेयर इसलिए दिया क्योंकि आजकल ये इन फैशन है। स्ट्रेट पैंट्स भी हैं क्योंकि स्ट्रेट पैंट्स हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी, लेकिन जो बेल बेल पैंट्स थोड़ा सा स्टाइलिश कट देने के लिए। ये हमारा डार्ट हो गया, ये वाला जो कि यूं स्टिच हो जाएगा ऐसे, ठीक है, जबरदस्त ठीक हो गया। और साथ में नीचे हमारी लेंथ आ गया और यहाँ पे हमने इसका हिप का साइज फिटिंग थाइस एवरीथिंग, ये एक पैटर्न है बेसिकली जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। इसको सीना का, ठीक है, एक टांग है जी, जी एक टांग है ये एक टांग है, ठीक है जी। अब इसी के ऊपर खोले, ठीक है, अब इसी तरह का भी कॉर्ज है बिल्कुल, इसी तरह की बैक होगी और साथ में इसका फिर स्मार्ट सा बेल्ट बनेगा, बेल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ थोड़ी सी और, आप एक एडिशन ये भी कर सकते हैं कि आप जो पैनल हमने इसके अंदर डाला है या अगर आप फ्लैपर पैंट्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप बटन्स का इनहेंस के लिए थोड़ा सा उसकी लुक निकालने के लिए, आजकल आर्मी बटन्स बहुत ज्यादा है ब्रास में गोल्ड में ये सारे चले हुए कलर्स, तो वो आप व्हाइट पे लगाएं काफी उठेगा। साथ में आप कोई सा भी इस तरह का फैंसी टॉप लेते हैं तो इजिली आप बर्थडे पार्टीज को या किसी भी ऐसा इवेंट जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा फैंसी येट आपने वेस्टर्न कट पहनना है तो वो कैरी कर सकते हैं इजीली, वो अच्छा लगेगा बिल्कुल। व्हाइट पैंट्स कैरी करना, मुझे कोई इंसान बताए व्हाइट कपड़े जो फुल होते हैं स्पेशली इवन सलवार कमीज जो होती है इतनी हसीन लगती है, लेकिन उसको सुबह से रात तक पहनना और उसके ऊपर एक भी जो है ना कतरा भी डॉट ना आए, वो पॉसिबिलिटी। अच्छा मुझे तो मैं इतनी ज्यादा मुझे वो होता है कि अगर मैं सुबह व्हाइट कपड़े पहन रही हूँ ना, मैंने बाहर अगर दिन गुजारा है या बाहर फेरे तो मुझे लगता है वो डस्टी हो गए, मतलब उतना व्हाइट नहीं रहा है। बात है क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके डस्ट बहुत ज्यादा है और वो चिपक जाती है, इतनी ह्यूमिडिटी है ना कि एकदम से उसका कलर मुझे लगता है कि वो, उसके लिए ये है कि फिर आप ब्लैक पहने जैसे एला ने कैरी किया, फुल हेड टू ब्लैक पहने, पेस्टल्स पहने, व्हाइट कैरी करना बड़ा मुश्किल है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आके आपको फाइनल शेप भी दिखाते हैं और हमारी जैसे भी तैयार हो चुके हैं वो भी दिखाते हैं। बैक टू महक दी मॉर्निंग। सबसे पहले मैं ये सवाल इसलिए पूछूंगी क्योंकि इनका नाम और मेरा नाम एक जैसा है। सुंदस लाहौर से पूछ रही हैं, मेरी बेटी की एज 18 साल है लेकिन उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं और स्प्लिट एंड्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, प्लीज़ बता दीजिए। खुद ही बता दिया, स्ट्रेटनर यूज़ करना किलर है, इतना बालों के लिए बुरी चीज़ है और बनते इसलिए कि ड्राइनेस हो जाती है और गिरते भी हैं सफेद। अच्छा, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से भी बाल सफेद होते हैं और कभी जेनेटिकली भी अगर इनके वालदा के वक्त से पहले सफेद हो तो बच्चों के हो जाते हैं। अच्छा, तो उनको गोश्त, पालक और फ्रूट में अनार, ड्राई फ्रूट में चलगोजा ये इस्तेमाल करें। लगाने के लिए तेल बना लें, कोकोनट ऑयल में आंवला पाउडर इतना जलाएं कि वो बिल्कुल काला रबड़ बन जाए, ठीक, वो लगाएं। जो काले हैं वो काले रहेंगे, जो सफेद है वो सफेद रहेंगे और काले सफेद नहीं निकलेंगे, मजीद जो है मजीद नहीं निकलेंगे, जो हो गए वो हो गए, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेस पे बाल आ जाते हैं, इनसे किसी तरह छुटकारा पाया जा सकता है? जो आ गए वो आ गए, वो नहीं खत्म हो सकता, वो नहीं, नहीं वो इलेक्ट्रोलिसिस करवा ले या जो, हाँ, उसके लिए आपको मतलब लेजर करवानी पड़ेगी। हाँ, लेजर भी ऑथेंटिक नहीं है, वो आपके मोटे बाल खत्म कर सकता है लेकिन वाइट और लाइट नहीं खत्म कर, लाइट बाल नहीं। अच्छा, इसके लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगी तो और नहीं निकलेंगे। बाजों का ये ख्याल होता है कि हमारे ये पॉलीसिस्टिक
ओवरीज हैं या हमारे सिस्ट हैं या फाइब्रॉइड हैं, उनकी वजह से हो जाते हैं। तो अगर ये ठीक हो गए तो बाल खुद ब खुद उड़ जाएंगे। नहीं, वो नहीं उड़ते, वो नहीं, वो रहेंगे, वो रहेंगे लेकिन और नहीं निकलेंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है पीसीओएस के लिए, मतलब क्या चीजें आप खुराक में? एक तो शेवर के अंडे, मुर्गियाँ, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स, ये बंद कर लें। ठीक है, इसी की वजह से हो रही है। बिल्कुल। अजवाइन, कलौंजी, साबती, सबोल, मेथी दाना, ये हमेशा मैं बताती हूँ, ये गोल्डन फार्मूला है सच में। हाँ, ये बहुत पुराना फार्मूला है। ये इक्वल क्वांटिटी में चारों चीजें मिक्स करके तीन उंगली की चुटकी में सुबह नहार मुँह, रात सोते वक्त साबत निकल लें, पीरियड शुरू हो जाए तो बंद कर लें, खत्म हो जाए तो दोबारा शुरू करें। ठीक है। अच्छा, ये खत्म करती हैं, लेकिन पहले साइज कम करना होता है फिर खत्म होती है। साइज कम करता है हल्दी, रात सोते वक्त दूध में आधा चम्मच ज़रा कम हल्दी डाला करें। और जब आप हल्दी इस्तेमाल करते तो दिन को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी फ्लश करे। ठीक, जबरदस्त। तो ये पूरा रूटीन है जो आपको, ये रूटीन है, और आपकी हर किस्म की फाइब्रॉइड हो, आपको सिस्ट हो, आपको पीसीओज हो, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी। चार महीने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करें, लेकिन साथ में मुंह भी बंद रखना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमसे कोई सवाल पूछता है वेट कम करना है, उसमें कहती है मुंह बंद रखना पड़ेगा। हाँ। उसके लिए, क्योंकि अगर आप खाना पीना जो है बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो नहीं, फिर परहेज जब नहीं करेंगे तो फिर परहेज नहीं करेंगे तो फिर वो। हमसे किसी ने सवाल पूछा था, उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मुझे याद नहीं किस गेस्ट ने दिया था सवाल, हमसे ये पूछा था, नसरुल्ला ने बताया था कि मेरी जो है जिंदगी बेरौनक सी हो जाती है जब डाइटिंग पे हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सिर्फ अगर आप क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है, आप जो भी खा रहे हैं तब तक ना खाएं कि आपको उल्टी आ जाए, थोड़ा कम खाएं, टाइम पे खाएं, जो टाइमिंग्स होते हैं उस वक्त खा लें, आप बाहर का ना खाएं, घर का खा लें, तो आधे मसले तो आपके इधर ही सॉल्व हो गए। ठीक है, बाहर नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं, हर वक्त नहीं खा रहे हैं, गलत टाइम पर नहीं खा रहे, उसके बाद आता है कि आपने कौन सी चीज़ें नहीं खानी। सुंदर जिंदगी उस वक्त बेरौनक हो जाती है जब आपको खाना खा जाए। बिल्कुल, काम करें ताकि आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को भी और जिंदगी की रौनक भी बहाल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मोटापा सिर्फ हम अपीयरेंस की बात नहीं करते, और इतने सारे मसाइल लेकर आता है साथ। अच्छा जी, फेस पर वाइट स्पॉट्स बन रहे हैं, और स्पॉट्स कभी ज्यादा नुमाया होते हैं और कभी लाइट हो जाते हैं, रुमैसा हैदराबाद से पूछ रही हैं। अपने डॉक्टर को तो जरूर दिखाएं, लेकिन ये मेल न्यूट्रिशन की निशानी होती है, आपने अक्सर बच्चों को चेहरे पे देखा होगा जब सही खाते पीते नहीं है। बिल्कुल, उनकी ये जगह जो है ना, यहाँ पे वाइट वाइट स्पॉट्स बन रहे थे। मैं सुना कैल्शियम की भी एक कैल्शियम की मेन न्यूट्रिशन कैल्शियम भी तो होता है, हर एक चीज होती है, तो अपना फूड प्रॉपर इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आपके फेस पे स्पॉट्स बन रहे हैं तो फूड और डॉक्टर को जरूर चेक कराएं। अच्छा, मेरे पेट में शदीद दर्द उठता है जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ, ऐसा क्यों होता है? सुमैया पेशावर से। जब मैं कुछ खाती हूँ उसके बाद ये तो गैस्ट्रिक अल्सर है। अच्छा, जब आप कुछ खा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि गैसेज होती हैं, हर खाने से एक घंटे पहले, खाने के बाद एक चम्मच सफ़ेद जीरा, हर खाने से एक घंटा पहले तीन अंजीरें, और 10 मिनट पहले एक गिलास पानी, एक चम्मच छिलका इसबगोल, ये बिल्कुल आपका हर किस्म का दर्द और लुब्रिकेशन कर लेता है इंटेस्टाइन को। अच्छा, स्मूथ हो जाएगा आपको, ये दर्द जो है नहीं उठेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछूं, उसके बाद हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है। आंख में मोतिया क्यों हो जाता है, और इससे होने से पहले के सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक एज होती है जिसमें ये होता है? रूबीना इस्लामाबाद से। ये हर एज में हो सकता है। अच्छा, इसके लिए मुझे लगा तो ओल्ड एज में तो होते, लेकिन अब तो अर्ली भी हो जाता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता, विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। ठीक, हर वो सफेद चीज जो आप तोड़े, बीच में सफेद है, उसमें विटामिन ए है, आप ये इस्तेमाल करें। अगर आप फिश बहुत महंगी है नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल आप रोजाना लें ताकि आपको हो ही ना जाए, इसको ऐसे प्रिवेंट किया जा सकता। और जब हो जाए तो उसमें एक कतरा प्याज का पानी डालें, उसको वॉश कर लेता है, पर अपने आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं। आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच, वेलकम माय डियर। थैंक यू मिस अश्मित को, बहुत सारी दुआएं दिया करें। माय डिजाइनर, सब जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं उनके लिए आपकी दुआएं बहुत जरूरी हैं। हमारी शेफ ने तड़का जो है वो लगा दिया है खाने को, आपको रेसिपी दिखा दें, बिल्कुल तैयार है। और मैं कहती हूँ आगे वीकेंड आ रहा है तो ये जरूर बने। देखिए उसके अंदर अंडे भी हैं, उसके अंदर छोले भी हैं, तो ये नाश्ते की डिश कैसे ना हुई, है ना? ऐसे साथ में नान भी है, नान भी है, पूरियां घर पे बना लें, पूरियां बनाएं आप घर पे। हाँ बिल्कुल, तो ये जो है साथ साथ बन गई। और अगर आप चाहते हैं कि ये भी है ना, आपको बताएंगी, मैं भी जो है ना एक टीजर छोड़ के जा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरियों के अंदर तेल ना हो तो उनको दूध के साथ जो है थोड़ा सा बेला जा सकता है, और फिर वो बिल्कुल जो है ना सूखी सूखी सी जो है वो पूरियां होती है। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, थैंक यू सो मच मेरे शो में रौनक लगाने के लिए, इतनी अच्छी बातें करने के लिए, लोगों को इतना कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग, आपकी कॉल्स आती हैं, आप लोग बात करते हैं, आप लोग याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
मुझे और मेरी टीम को सबको दुआएं दीजिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।